वहीं नरसिंहपुर में कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लचर होता नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की भीड़ के चलते हालात काफी डरावने होते चले जा रहे हैं। इसी बीच संवेदनहीनता और लापरवाही की ये तस्वीरें अस्पताल से सामने आई है। ये कोविड वार्ड में एक महिला की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवक बिना स्ट्रेचर के अकेले ही अपनी नानी को गोद में उठाकर मौत से रेस लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। समय पर इलाज न मिलने से युवक की बुजुर्ग नानी की मृत्यु हो गई है। वही तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बुजुर्ग कोरोना पेशेंट अपनी बोतल बदलवाने खुद ही बोतल स्टैंड के साथ वार्ड में घूमता नजर आ रहा है। जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर लगे लापरवाही के आरोपियों की लिस्ट यहां खत्म नहीं होती। गाडरवारा निवासी एक व्यक्ति का शव 2 दिनों से मॉर्चरी में रखा हुआ है, अपने अंतिम संस्कार की राह देख रहा है। उनकी बहन कह रही है कि उनके भाई के मृत शरीर से अब दुर्गंध आने लगी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि मृतक के परिजनों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें खबर भिजवाई पर वो आए नहीं। फिर भी जिले के नेताओं और अफसरों की आंखें अभी तक शायद खुली नहीं है। तीन महीने हुए कि मरीज को आया था, आरोप लगाया है। देखिए, एक सामान्य सी बात है कि यदि किसी के परिवार का कोई व्यक्ति इलाज के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रथम शुरुआत में उसको एक आक्रोश रहता है। समय मरीज द्वारा अभी तो ऐसा लिखित में आरोप या जो नहीं दिया है, और जो भी मृत्यु होती है कोरोना COVID-19 के कारण, उस पूरी मृत्यु का पूरा एक डेथ ऑडिट होता है। ऑडिट जो विशेषज्ञ है उसके उनके द्वारा किया जाता है, और उसमें जो भी कोई अगर लापरवाही पाई जाती है किसी की या कोई स्वभाव होते हैं, तो उस पर अमल किया जाता है। सही, आपदा बड़ी है जी, महामारी है ये, इसका कोई किसी का अनुमान नहीं था कि कितने समय तक होगी और कैसे आएगी। हालांकि अब करीब 1 वर्ष हो रहा है, तो इसमें सभी को थोड़ा सा धैर्य संयम इसकी अपेक्षा है। स्वास्थ्य विभाग जितनी भी उसकी क्षमता है, पूरी क्षमता से।